हेलो दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जी देखिए, संतोष भाई साहब जी ने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, तो अभी मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसमें क्या सामान उन्होंने भेजा है। तो दोस्तों ये देखिए, जो बड़ी बोतल होती है ना, 20 लीटर वाली, जो पानी वाली बोतल जिसमें हम वाइन या बियर बनाते हैं, तो उनके ये देखिए दो इन्होंने नए ढक्कन भेजे हैं। और दोस्तों उन्होंने ये देखिए बियर बोतल पर लगाने के लिए ये प्लास्टिक के कैप भेजे हैं। तो दोस्तों जब हम घर में बियर बनाते हैं, तो उसकी बोतलों को कैप लगाने के लिए हमको बहुत महंगा मशीन ख़रीदना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमको वो मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप ये देखिए प्लास्टिक के ये छोटे छोटे कैप उपयोग कर सकते हो, ये बहुत ही आसानी से बोतल पर लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्केट के बियर भी खरीदते हो, तो कई बार हमारा दिल आधा पीने को ही होता है, हम आधी बोतल छोड़ देते हैं, लेकिन ढक्कन खुल जाने की वजह से हमको पूरा पीना पड़ता है। तो दोस्तों आप ये देखिए, आप ये ढक्कन का उपयोग कर सकते हो। अगर आपने आधी बोतल पिए है, आधी आपने रख लेने का है बाद में पीने के लिए, तो आप ये ढक्कन लगा कर उसको रख सकते हो। ये ढक्कन और भी बोतलों को लग जाता है, आपको सभी बोतलों पर लगा कर दिखाता हूँ कि ये किन किन बोतलों पर ये ढक्कन लग जाता है। तो दोस्तों यह ढक्कन विस्की की बोतल पर बिल्कुल नहीं लगेगा, ये देखिए आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस पर बिल्कुल भी नहीं लगता, बाकी ये और बोतलों पर लग जाता है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ सभी बोतलों पर। यह देखिए दोस्तों, ये टमाटो कैचअप वाली बोतल है, इसमें टमाटो सॉस आता है। ये देखिए ये इस पर भी लग जाता है, ये देखिए ये इस पर भी लग चुका है। तो ये देखिए आप ये ढक्कन लगाकर इसको उपयोग कर सकते हो। ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने पानी डाला है, बिल्कुल भी ये देखिए पानी नीचे नहीं गिर रहा, ये बिल्कुल एयर टाइट बोतल हो चुकी है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया ये ढक्कन है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये सोडा की बोतल पर लगा कर दिखाता हूँ कि सोडा की बोतल पर ये लगता है कि नहीं लगता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सोडा की बोतल पर भी आसानी से लग चुका है, ये देखिए ये पूरा फिट आ चुका है। लेकिन दोस्तों सोडा की बोतल पर ये पूरा एयर टाइट नहीं होता है, ये देखिए इसमें से ये पानी रिस रहा है। ये देखिए सोडा की बोतल पर ये पूरा फिट नहीं आया है, लग तो गया है लेकिन पूरा फिट नहीं आया है। बोतल टेढ़ा हो जाने से दोस्तों सोडा गिर जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं ये बियर की बोतली पर लगा कर इसमें पानी डालकर आपको दिखाता हूँ कि इसमें से पानी रिसता है कि नहीं रिसता है। तो चलिए अभी मैं बियर की बोतल में पानी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं बियर की बोतली में पानी डाल लिए हूँ। अभी ये देखिए ये कैप लगा कर आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूँ कि इसमें से पानी रिसेगा कि नहीं रिसेगा। यह देखिए दोस्तों, ये बियर का बोतली पूरा एयर टाइट हो चुका है, ये देखिए इसमें से ज़रा सा पानी भी रिस नहीं रहा है। ये देखिए ये बोतल के लिए परफेक्ट कैप है। तो ये दोस्तों आप घर में जब बियर बनाते हैं, तो इन कैप का उपयोग कर सकते हो। ये देखिए ये बिल्कुल आपकी बियर को गिरने नहीं देगा और गैस को भी बाहर निकलने नहीं देगा, बढ़िया कार्बोनेशन होगा आपकी बोतल में। तो दोस्तों मैं संतोष भाई साहब जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतना कीमती प्रोडक्ट मुझको भेजा है। संतोष भाई साहब जी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे पहले भी बहुत सारा सामान भेज चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना कीमती सामान मुझे भेजते रहते हैं। दोस्तों अगर आप भी यह कैप खरीदना चाहते हो, तो ये आपको अमेजोन से मिल जाएंगे, इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर जाकर इसको बाय कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।